are watching NTTV News, News Telangana Television. सारी रियासत तेलंगाना की आवाम को सलाम, मैं जैनवारसी आप सबका भाई। हम लोग तकरीबन 20-22 दिन निज़ामाबाद में इलेक्शन का वर्क करे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे रियासत तेलंगाना में उम्मीद है इस बात की कि फिर से केसीआर साहब की हुकूमत बनेगी और फिर से इस स्टेट में तेलंगाना में फिर से गुलाबी लहर दौड़ेगी। कई तकरीबन पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पे आ रही है कि भाई ये टीआरएस पार्टी के कुछ वर्क नहीं रहा और वो लोग इख्तदार में आना चाह रहे हैं, ख़ास करके कांग्रेस पार्टी। आज तकरीबन आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी क्या डेवलपमेंट का काम करी? कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करी। तकरीबन ये इस तेलंगाना में जब तेलंगाना आंध्रा एक था उस वक्त बहुत सारी ये लोग की बहुत सारा वक्त इस स्टेट में ये लोग बिताए, लेकिन कोई डेवलपमेंट का काम आज तक नहीं करे, सिर्फ झूठे बातें और झूठे वादे। तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद सबसे बड़ा कारनामा हमारे हरदिल अजीज सीएम साहब का ये रहा कि आम पब्लिक को जो ज़रूरत थी, जो परेशानी थी लाइट की, जो कांग्रेसी गवर्नमेंट में दो दो तीन तीन घंटे लाइट सुबह शाम बंद कर देते थे, तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद वो परेशानी ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। पानी का मसला था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। शादी मुबारक स्कीम, रेसिडेंशियल स्कूल, बहुत सारी स्कीमात से आज तेलंगाना की आवाम फ़ायदा उठा रही है, और मैं सारी रियासत तेलंगाना की आवाम को ये गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग इस बात पर मुत्तहिद हो जाइए, इस बात पर आगे आइए और टीआरएस पार्टी को वोट दीजिए, क्योंकि इस मुल्क में आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कोई ऐसी गंगा जमुना तहजीब रखने वाली सियासी पार्टी नहीं आई जो टीआरएस पार्टी है। टीआरएस पार्टी एक बहुत बेहतरीन पार्टी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। देखिए ये पार्टी टीआरएस पार्टी आए बाद में तेलंगाना स्टेट में अगर आप लोग सर्वे देखेंगे तो कोई फसाद नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हर ईद बकरीद हो, रमज़ान हो, बोनाल, गणेश, हर चीज़ यानी कि एक बेहतरीन तरीके से गुजर जाती है। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग इत्तेहाद के साथ टीआरएस पार्टी को वोट दें और केसीआर साहब के हाथ मजबूत करें। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना।